What is up guys, welcome back to Electrical Unboxing. मैं नितिश बसी आज आपके लिए लाया एक और सीलिंग फैन दोस्तों, ये रहा ल्यूमिनस का प्रॉपर लेयर। तो इस 3-स्टार सीलिंग फैन को करेंगे अनबॉक्स, रिव्यू और टेस्ट। उसके साथ साथ होगा इसका नॉइस टेस्ट, एयर डिलीवरी टेस्ट। काफी जबरदस्त ये अनबॉक्सिंग रिव्यू होने वाला है दोस्तों। अगर आप सीलिंग फैन देख रहे हो 3500 या 4000 की रेंज में, तो क्या इसको आपको कंसिडर करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ये रहा ल्यूमिनस का साइलेंट फैन प्रॉपर लेयर, तो चलिए खोलते हैं। बॉक्सेस की बात करें दोस्तों, काफी लंबा बॉक्स है और 3-स्टार यहाँ पे गिवन है। हाई एयर डिलीवरी लिखा है, जिसे हम चेक करेंगे कितना सच है और कितना झूठ है। और सचिन पाजी भी है यहाँ पे। और दोस्तों 1250 रुपए ये आपके सालाना बचाएगा, ये कंपनी का कहना है। पर ये तभी होगा अगर आप 16 घंटे पंखे को चलाओ रोज और जो बिजली का बिल आए वो 6.5 रुपए पर यूनिट हो। और इसमें आते हैं दोस्तों 4 कलर्स, डबल बॉल बेयरिंग और 2 साल की वारंटी। तो ये रही मोटर मेरे हाथ में दोस्तों, एकदम सिंपल सी मोटर है, कोई डिजाइनिंग नहीं, ऊपर से बस एक सर्कल दिख रहा है सेंटर में। और ये प्लास्टिक का है दोस्तों, ऊपर से कवर चढ़ाया गया है डिजाइन बनाने के लिए कह सकते हैं, बट बहुत ही डिसेंट है, एकदम डिसेंट। पीछे से तो सारा एल्युमिनियम का है। और ये रहा ब्लेड दोस्तों, एल्युमिनियम का ब्लेड है। और डिजाइन की बात करें यहाँ पे क्रोम है सिल्वर कलर की, और ये भी सेम मटेरियल है बिल्कुल एकदम, तो मैच कर जाएगा आगे से। एल्युमिनियम का है क्योंकि एल्युमिनियम के ब्लेड होंगे तभी हवा आएगी दोस्तों। और क्योंकि कंपनी ने मेंशन किया ये साइलेंट फैन है, तो वो भी हमने चेक करना है, वो भी बहुत जरूरी चीज है। और एयर डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, प्रॉपर कर्व है ब्लेड को अच्छा, और आगे से वाइड भी है ब्लेड थोड़ा। और इसका पेंट दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कोई मेटालिक पेंट नहीं है, तो एंटी डस्ट या इजी क्लीन वाला फीचर नहीं मिलेगा आपको, जबकि ये फैन की कॉस्ट अराउंड 3500-3800 है। तो एक ब्लेड लगे हैं दोस्तों, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है फैन क्योंकि प्लेन मोटर थी, अभी ब्लेड लग गया है और सिल्वर क्रोम, तो एकदम डिसेंट डिजाइन है। और दोस्तों ये थर्ड फैन है ल्यूमिनस का जो हम अनबॉक्स कर रहे हैं इस सीजन, और ये भी ट्रायंगल शेप में इसकी मोटर। आई डोंट नो व्हाई क्यूट ट्रायंगल शेप में मोटर्स बना रही है कंपनी, थोड़ा अलग दिखने के लिए डेफिनेटली। तो ओवरऑल डिसेंट डिजाइन लग रहा है दोस्तों, एकदम डिसेंट, व्हाइट क्रोम कुछ ज्यादा मिक्स्ड अप नहीं हुआ। हो सकता है आपको ये फैन अच्छा लगे क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है कलर का, सिंपली एक सिल्वर क्रोम है और प्योर प्योर व्हाइट सारा फैन है। तो अभी पंखे को लगाते हैं छत पे 3 ब्लेड के साथ, देखते हैं कैसे लग रहा है। नॉइस टेस्ट करने के बाद मालूम हुआ यस, ये फैन थोड़ा साइलेंट जरूर है, बीच बीच में 47 डीबीए तक भी ड्रॉप हो रही थी नॉइस, बट जो कंसिस्टेंट नॉइस थी वो 52-53 डीबीए के अराउंड थी, और नॉर्मली फैंस की 60 या 62 तक रहती है। और ये चीज दोस्तों यहाँ से कानों को भी फील हो जाती है, 6 से 8 डीबीए का डिफरेंस। और डेफिनेटली फैन थोड़ा साइलेंट है। उसके बाद बारी आती है एयर डिलीवरी की, क्योंकि कंपनी ने बॉक्स पे मेंशन किया हाई एयर डिलीवरी, और मुझे लग नहीं रहा था जब ये पंखा चल रहा था कि हाई एयर डिलीवरी होगी, और वो चेक किया तो एयर डिलीवरी इसकी मैक्स एयर डिलीवरी देखने के बाद भी 210 cmm तक आई, तो डिसेंट एयर डिलीवरी कह सकते हैं, हाई तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो अभी फैन को खरीदने के क्या रीजंस हमें मिल रहे हैं दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि फैन काफी एक्सपेंसिव है, 4000 की रेंज तक पहुंच जाता है। तो एक तो दोस्तों डिसेंट डिजाइन है, तो मोस्टली कहीं पे भी सूट कर सकता है। दूसरा जो मेन रीजन है इसका, वो ये है कि ये 3-स्टार है, एनर्जी सेविंग फैन है। अगर आपके फैन बहुत ज्यादा देर चलता है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, 47 वॉट्स की इसकी एनर्जी कंजप्शन है। उसके अलावा दोस्तों कुछ कोई खास रीजन नहीं है इसे खरीदने का, एक डिजाइन डिसेंट है, दूसरा कि ये 3-स्टार है, ना ही ये एंटी डस्ट है, ना ही इजी क्लीन है, और ना ही इसकी एयर डिलीवरी बहुत ज्यादा हाई है। और हाँ दोस्तों साइलेंट भी है थोड़ा, तो मुझे 3 ही रीजंस दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये 3-स्टार है, डिजाइन डिसेंट है और साइलेंट है। स्टिल दोस्तों प्योरली साइलेंट फैन नहीं है, बट साइलेंट जरूर है ऑर्डिनरी फैंस के मुकाबले में। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप इसे खरीदना कंसिडर करोगे, और दूसरा क्या आपको इसका डिजाइन अच्छा लगा। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा, बट पंखा लगने के बाद नीचे से अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। तो नॉट रियली डिजाइनर फैन बट ऑल्सो अ डिजाइनर फैन, तो बीच बीच में कुछ लग रहा है दोस्तों। ओवरऑल फैन अच्छा है, बस प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि हवा बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके अलावा दोस्तों सब कुछ सही है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बाद आप कौन से सीलिंग फैन का रिव्यू देखना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।